अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 इज अबाउट न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स डील्स विद द प्रेशर ऑफ गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेटिक्स की डेफिनेशन नोट करें। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेज अंडर प्रेशर इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसपे आप क्या स्टडी करते हैं, गैसेज के बिहेवियर को, कब, जब गैसेज अंडर प्रेशर हों। अब न्यूमेटिक्स को इन डिटेल स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गैसेज। गैस मॉलिक्यूल्स लाई फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे हैव वेरी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। यानी गैस मॉलिक्यूल्स क्लोजली बॉन्ड नहीं होते बल्कि दूर दूर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, दूर दूर पड़े होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ड्यू टू देयर रैंडम मोशन और फ्री मोशन दे कोलाइड विद द थिंग्स कमिंग इन देयर वे। यानी ये एटम अगर मूव कर रहा है तो ये मूव करता हुआ ऐसे जा रहा था, अब यहाँ कंटेनर की वाल आई, उसके साथ उसने कोलाइड किया, उसके साथ टकराया और टकरा कर अपना पास चेंज किया। अब जब वो इधर आ रहा है तो उसके रास्ते में एक और एटम और मॉलिक्यूल आ रहा है, वो उसके साथ कोलाइड करेगा और इस तरह से कोलाइड करके अपना पाथ चेंज कर लेगा। अब ये एटम और मॉलिक्यूल जब कोलाइड करता है इस वाल के साथ तो वो इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा और फोर्स पर यूनिट एरिया जब एक्ट करे तो प्रेशर जनरेट होता है। सो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो वहाँ फोर्सेस लगाते हैं और फोर्सेस पर यूनिट एरिया जब एक्ट करती हैं तो वहाँ प्रेशर जनरेट हो जाता है। इलस्ट्रेशन में हम इसी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू मूव बिकॉज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर वेरी वीक। When we fill a container with a gas, the gas molecules collide with one another as well as with the walls of the container. So they exert force on the walls of the container called pressure. अब ये जो pressure है ये किन factors के ऊपर depend करता है? Number one, जो gas का temperature है अगर आप वो बढ़ाते हैं तो gas के temperature बढ़ने से आपके जो atoms और molecules हैं उनकी energy बढ़ती है और energy बढ़ने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं और ज़्यादा जो है कूलिंग का रेट भी इंक्रीज होता है इस तरह से, और कूलिंग बढ़ने से गैस का प्रेशर बढ़ता है। नंबर टू, हम कहते हैं कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ मास को इंक्रीज करते हैं, गैस में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं, तो इस तरह से जो रेट ऑफ कूलिंग है, टकराने का जो रेट है वो बढ़ेगा, ज्यादा फोर्सेस जनरेट होंगी, ज्यादा एटम्स कोलाइड करेंगे, ज्यादा कूलिंग होगी, ज्यादा फोर्सेस जनरेट होंगी और ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ गैस। यानी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ आपके गैस का प्रेशर किस तरह से बढ़ता है या क्या उसमें चेंज आता है, उसको हम इस टॉपिक में देखते हैं। टू डिस्कस द सिचुएशन We consider the mass of the gas is constant. यानी गैस में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आप इंक्रीज नहीं कर रहे, क्वांटिटी ऑफ गैस को इंक्रीज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। सो इसको डिस्कस करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कंसिडर करते हैं कि वी हैव अ बलून एंड वी हैव फिल्ड इट विद एयर, आफ्टर दैट वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें मौजूद एटम्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसमें मौजूद जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पास क्या आएगी? हीट एनर्जी आएगी। अब एनर्जी जब किसी बॉडी के पास होती है तो एनर्जी को हमने डिफाइन किया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। यानी बॉडी की काम करने की जो सलाहियत है उसे हम एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वो क्या काम कर रहे हैं? दे आर मूविंग फ्रीली। अब ये जो एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स को चाहिए मूव करने के लिए? सो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी दैट सपोर्ट्स द मोशन, जो मोशन को सपोर्ट करती है। अब जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी आई तो मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे।
ज़्यादा तेज़ी से जब ये मूव करेंगे तो ये अपने रास्ते में आने वाले दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे और बलून की इनर वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, यानी इनका रेट ऑफ कोलिजन क्या होगा, टकराने का रेट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टकराव होगा। आप जब ये टकराते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर या वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और जब फोर्स पर यूनिट एरिया लगे तो प्रेशर जनरेट होता है। जितनी कोलिजन ज़्यादा उतना ही प्रेशर ज़्यादा। अब जितना प्रेशर इस बलून के अंदर ज़्यादा होगा, आपका बलून क्या करेगा, बर्स्ट कर जाएगा। सेकेंड सिचुएशन कंसीडर करें कि आपके पास टायर है और इसमें आपने हवा भरी हुई है। अब ये अगर हॉट समर डेज में इसे आप डे लाइट में रख देते हैं तो ये भी क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो एयर के मौजूद हैं उनके पास ज़्यादा हीट एनर्जी जब आती है, उनका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे उनका रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होता है, और रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होने से वो ज़्यादा फोर्सेस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर और टायर की इनर वॉल्स के ऊपर, और इस तरह से प्रेशर आपका बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो आपका टायर बर्स्ट कर जाता है। सो वी हैव डिस्कस्ड इट, कीपिंग द मास कॉन्स्टेंट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड द कंटेनर इज इंक्रीज्ड, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एंड प्रेशर ऑफ अ गैस आल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू मोर कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यानी हमने कहा मास ऑफ कॉन्स्टेंट रखा, टेम्परेचर जो है कंटेनर का वो इंक्रीज किया, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुई, हीट बढ़ी तो मोशन ज़्यादा हुई, जब मोशन ज़्यादा हुई तो प्रेशर ज़्यादा हुआ, और प्रेशर क्यों ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है वो ज़्यादा हो गई है। एग्जांपल में जो दो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए उन्हें हम रीड कर लेते हैं। ट्यूब टायर ऑफ अ बाइसाइकिल बर्स्ट इफ इट रिमेन्स स्टैंडिंग इन हॉट समर डे लाइट बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इन द ट्यूब टायर इंक्रीजेज, ड्यू टू दिस द प्रेशर ऑफ अ गैस इन द ट्यूब टायर आल्सो इंक्रीजेज। सेकेंड हमने बलून की जो एग्जाम्पल ली वही डिस्कस की हुई है इधर। बलून इज इन्फ्लेटेड एंड पुट नियर फायर, इट बर्स्ट ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर कॉज्ड बाय द फायर, द प्रेशर ऑफ गैस इन साइड द बलून इंक्रीजेज। यानी यहाँ भी हम कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने से बलून बर्स्ट कर गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकेंड फैक्टर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ गैस बढ़ाने से प्रेशर पे क्या चेंज आता है। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आप किसी कंटेनर में गैस की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, गैस में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं, तो इस तरह से क्या होगा, कूलिंगन का जो रेट है वो ज़्यादा होगा। जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं उतने ही कूलिंगन ज़्यादा है, उतना ही वो ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे, और इस तरह से जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। By keeping the temperature constant or increasing the quantity of gas in the container, the number of collision of gas molecules also increases, thereby increasing the pressure in the container. यानी जब हम क्वान्टिटी ऑफ गैस की वजह से प्रेशर में चेंज को स्टडी करेंगे तो हम टेम्परेचर को नहीं छेड़ेंगे, टेम्परेचर आपका सेम रहेगा, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएंगे, जस्ट गैस के मास को बढ़ाएंगे। सो इसमें भी हमने वही सेम दो एग्जाम्पल्स ली हैं, एक टायर की और एक बलून की। टायर में अगर आप ज़्यादा उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हवा बढ़ते हैं तो तब वो बस्ट कर जाता है, और रीज़न यही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगी, और इस तरह से प्रेशर ज़्यादा होगा अंदर टायर के और वो बस्ट करेगा। इसी तरह बलून में भी अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें गैस को इंसर्ट करते हैं तो इस तरह से कोलिजन ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा और आपका बलून बस्ट कर जाएगा। So the tube tire of bicycle burst if it's filled with more air because increasing the quantity of gas in the tube tire, pressure of gas or air increases, as a result the tire burst. So second mein, if the balloon is inflated more than its capacity, the pressure of the gas increases, as a result the balloon burst. Yani agar balloon mein bhi uski capacity se zyada hawa badhe to wo kya kar jata hai, phat jata hai, burst kar jata hai.